मैंने स्वयं ऊपर से नीचे भ्रमण किया है। नीचे सीढ़ी के पास ऊपरी जो सीढ़ी है वहाँ पर लाल रंग के धब्बे खून नुमा दिख रहे हैं और अंदर एक कक्ष है जो किचन है, किचन के बगल में भी खून के धब्बे दिख रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हमने अपनी सीनियर अधिकारीगण को भी अवगत कराया है और FSL की टीम हमारी बस पहुंचने वाली है, हम लोग उसकी जांच कर लेते हैं और यह देख लेते हैं कि वह खून कैसा है, किसका है, कौन लोग हो सकते हैं। आने जाने के लिए CCTV फुटेज भी साइड में मौजूद हैं, हम उनका भी सहयोग ले लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग 2 घंटे के अंदर ही इसे स्पष्ट कर लेंगे कि यह किस तरह की घटना है और क्या हुआ। सर, कोई कैसे पहुंच गया इस दफ्तर में जब आप लोगों की मौजूदगी रहती है पास में और ये निशान पहले नहीं दिखे, लग रहा है ताजा निशान है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी ब्लड के जो धब्बे या निशान दिख रहे हैं उसको मैं अपने अनुभव से ही, आप कह रहे हैं अनुभव की बात, तो मैंने उसको छेड़ने का प्रयास नहीं किया, छूने का प्रयास नहीं किया, यह उचित भी नहीं था। जब तक उसको टच न किया जाए कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि एफिसर की टीम आ जाए, वो अपने से ही देखे। प्रथम दृष्टया लाल रंग के जो धब्बे हैं, छींटे हैं, वह ब्लड के हैं, किस तरह का ब्लड है, किसका ब्लड है, यह जांच कर लीजिए। सर, लेकिन इस दफ्तर में पहले ऐसे निशान नहीं थे। आपकी एक जिप्सी यहाँ पर रहती है, ऊपर कुछ कपड़ों में ब्लड के निशान, चाकू नीचे पड़ा हुआ है, तो शुरुआती जांच में क्या लग रहा है कि क्या किसी ने कोई वारदात को अंजाम दिया है, कुछ गुर्गों ने यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया है? पुलिस की टीम जब यहाँ पर रहती है तो इस दफ्तर का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? कौन यहाँ पर घुस गया जिसने इस तरीके के ब्लड के निशान यहाँ पर छोड़ दिए? पुलिस की टीम चौराहे पर सुरक्षा के लिए है। आप देख भी रहे हैं कि पूरा ये खंडहर नुमा मकान है, दो तीन तरफ से खुला हुआ है, तो हो सकता है कि कोई आया गया होगा और इसी की जांच की जा रही है। कोई साजिश लग रही है आपको, क्योंकि यहीं से हथियार और पहले भी बरामदगी हुई है? इस तरह की अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, FSL के आने के बाद ही स्पष्ट किया जाएगा।